हेलो एवरीवन, मैं हूं आप लोगों की फ्रेंड ज्योति और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूं दुर्गापुर के बहुत ही बड़े और सबसे पुराने मेले में, जिसका नाम है कालपत्रु मेला। तो ये मेला दुर्गापुर का सबसे पुराना मेला है और बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पर जितना भी अब तक मेला लगता उससे सबसे ज़्यादा बड़ा यही मेला है। तो इस मेले के बारे में अगर बात करूँ तो ये हर साल 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और ये 10 दिन का मेला होता है। तो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ये रहता है। तो हर साल तो मैं 1 जनवरी को ही यहाँ आती थी, बट इस बार आप लोगों ने देखा मेरा लास्ट वीडियो में कि मैं 1 जनवरी को मतलब ये दुर्गापुर नहीं आई थी, अपने घर के पास ही थी एक पार्क में, वहाँ पे पिकनिक मैंने किया था। तो आज 2 तारीख है, तो हम सोचे कि जैसे लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को ये फूड मेला बहुत लेट से उसके बारे में बताए थे, मतलब उस दिन उसका लास्ट डेट था, तो आप लोग वहाँ जा नहीं पाए, इसलिए हम सोचे कि चलो आज ही 2 जनवरी है, तो अभी ये मेला 10 दिन रहेगा, तो 7 से 8 दिन है आप लोगों के पास इसको घूमने के लिए। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये है कि मास्क खोलना नहीं है, तो इसीलिए मैं बाहर में साइड में आप लोगों के लिए कुछ इसका डिटेलिंग बता रही हूँ। बाकी का सारा मैं पता नहीं, देखूँगी अगर मास्क खोल पाऊँगी या फिर वॉइस मेरा क्लियर होगा मास्क पहन के, तब मैं बोलूँगी आप लोगों से बात करूँगी। तो आप भी मेरे साथ देखिए, कौन आई है बीती। तो सबसे पहले तो मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए ही ये आज मेला आई है, क्योंकि ये कल 1 जनवरी को ही ये मेला घूम चुकी थी, बट जब इसको पता चला मैं अकेले आ रही हूँ और इसका थोड़ा तबीयत ख़राब है इसीलिए अभी मास्क नहीं खोलेगी, तो जब इसको पता चला कि मैं अकेले आ रही हूँ तो मेरे लिए बस ये आई है इतना दूर। तो थैंक यू बीती, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, मैं बस रिकॉर्डिंग करूँगी, देखती हूँ अगर मास्क पहन के वॉइस क्लियर होगा तो मैं बताऊँगी सब कुछ, या फिर मैं बाद में ये साउंड एडजस्ट करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मेले के अंदर चलते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस मेले का नाम कालपत्रु है, तो कालपत्रु का मतलब होता है बंगाली में शायद, हाँ कालपत्रु का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जो सबका मनोकामना पूरा करता हो, सबकी विशेष पूरी करती हो। तो कहा जाता है कि इस मेले के अंदर, पता नहीं मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि इस मेले के गेट के पास ही ऐसा होता है, और कोई बोलता है कि नहीं कहीं किसी और जगह में मेले के अंदर ही, मतलब मेले के अंदर हम लोग कहीं पे भी कोई ऐसा एक जगह है जहाँ पे हम लोग जो भी विश मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो इस मेले का यही मान्यता है, और इस मेले का जो नाम है कालपत्रु तो उसका मतलब भी वही होता है, एक ट्री जो हम लोगों का विश पूरा करता हो। तो पता नहीं कहाँ पे ये है, बट मैं मेले के अंदर इंटर करूँगी और भगवान से कुछ विश करूँगी, देखती हूँ पूरा होता है कि नहीं। पे देख लीजिए कंबल्स हैं, वो केजी के हिसाब से मिल रहा है, पर केजी 350 का प्राइस है इसका। दुर्गापुर सांस्कृतिक मेला सदस्य के पूरा साथ जो बोल
ये देखिए एंट्री करने के बाद हम लोग को सबसे सामने कौन मिलेंगे, ये हैं विवेकानंद जी, रामकृष्ण और उनकी पत्नी। यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं आप लोग। যার বাইক তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি বাইকটি এখান থেকে সরিয়ে দিন। WP 40 AB 4199 যার বাইক তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে বাইকটা আপনি যেখানে রেখেছেন ওখান থেকে সরিয়ে নিন। ये देखिए यहाँ पे सारा लकड़ी का सामान बना हुआ है, सारा वुडन चीज़ है। मैं हर साल यहाँ पे जब भी मेला आती हूँ तो रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए पूरा मेला में मेरा सबसे फेवरेट ये है, मैं हर साल जब भी ये मेला आती हूँ इस झूले को देखती हूँ, इसका प्राइस पूछती हूँ, इसके बाद चली जाती हूँ, क्योंकि ये झूला मैं ले नहीं सकती। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ही मतलब ठीक है, बट मेरे घर में जगह नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत लोगों को पता होगा कि मैं क्वार्टर में रहती हूँ तो वहाँ पे ये झूला लगाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो बस इसका प्राइस पूछना, इसको देखना, इससे ज़्यादा कुछ और मैं कर नहीं सकती। फिलहाल वो उस साइड से खुला हुआ है और भी देखिए चेयर है, हाथी है और भी बहुत कुछ बना हुआ है। আপনাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে মাস্ক ছাড়া কেউ মেলার ভেতর ঘোরাফেরা করবেন না, এবং মেলার ভেতর যে সমস্ত দোকানদার ভাইরা আছেন তাদের উদ্দেশ্য। আচ্ছা ये दोनों चेयर और एक सोफा और वो टेबल, इस तीनों चारों का प्राइस है 22,000। शायद यहाँ आने से प्राइस थोड़ा कम ज़्यादा हो। वहाँ भी लकड़ी का सामान है ना, ये भी देखिए एक छोटा सा झूला है, चेयर है, वाओ ये देखिए चेयर है, सोफा है, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट में लेडीज वेयर है बहुत सारा, प्लाजो, लेगीज, कुर्ती। यहाँ पे देखिए बहुत सारा लेडीज पर्स है, बैग है। यहाँ पे देखिए ज्वेलरी का दुकान है, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिंग बनाया जाता है, आप किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं, खुद का नाम लिखवा सकते हैं। मैं यहाँ एक रिंग बनवा रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए। अभी विंटर है तो विंटर के लिए बहुत सारा सॉक्स है यहाँ पे। यहाँ पे अचार है, यहाँ पे 100 रुपीज करके सारा पर्स है। তাহলে আমাদের মেলার ইনকোয়ারি অফিসে ডান দিকে মাস্ক পাওয়া গেছে,
আপনারা প্রয়োজনে সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের মেলার আরো দুটি অঙ্গ হল বই মেলা এবং কৃষি মেলা। আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে অনুরোধ, আপনারা অবশ্যই বই মেলা ও কৃষি মেলা পরিদর্শন করুন। यहाँ पे बहुत सारा बैग है, लेडीज पर्स है, बड़ा बड़ा बैग है, बच्चों के लिए है। यहाँ पे नेकलेस है, सबका प्राइस 120 है। यहाँ पे डाइनिंग सेट है, कप है, प्लेट्स है, ग्लास है। यहाँ पे झूला है, बच्चों के लिए है, कार है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। আমাদের মেলার আর দুটি অঙ্গ বই মেলা ও কৃষি মেলা অবশ্যই পরিদর্শন করুন। ধন্যবাদ। ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড। ये देखिए टैटू के लिए कितना बड़ा दुकान है। सांस्कृतिक मेला কল্পতরু উৎসব 2023। ये डायनासोर वाला कुछ झूला है, नाम नहीं पता मुझे। बाबा टंगने वाला टेप लीजिए 15 रुपया में। आइए सामान खरीदिए, देखने से लेना नहीं होगा, पसंद होने से खरीदिए सिर्फ 15 रुपया में। ये बाजार कैसे बनाया? नदिया का चाकना सिंह इलेक्ट्रिक सुबल सिंह कौन 0347 2423 4 मोबाइल 9 3 1 0 5 3 0। यहाँ पे देखिए पान मिल रहा है, फायर पान, चॉकलेट पान और भी बहुत तरह का पान है। यहाँ पे देखिए झूला। वो देखिए सबसे बड़ा झूला। लेडीज बैग लीजिए 15 रुपया में। हाथ में लटकाने वाला बैग लीजिए। रात में ये सब ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि लाइटिंग रहता है। वाला बैग लीजिए सिर्फ 15 रुपया में। प्लास्टिक फ्रेम का शीशा लीजिए 15 रुपया में। पानी में ब्लैक ही अच्छा। इसका प्राइस 320 है ना, 320 है। ডক্টর সেটি মাত্র 35 টাকা।
यहाँ पे मेकअप पाउच है, यहाँ पे सारा मेकअप का सामान है, ब्यूटी ब्लेंडर, मस्कारा, लाइनर, नेल पेंट। फ्लैमर दे देगा 400 का है, 310 का बोलता है, 310। यहाँ पे मुगलाई है, एग रोल है, चाउमीन है और भी बहुत कुछ है। इधर सारा खाने के लिए आपको मिल जाएगा। इधर जितना भी इधर सिर्फ खाने के लिए। यहाँ पे आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्जा। हाँ, यहाँ पे सन ग्लासेस है। लास्ट ईयर में यहाँ से सन ग्लास पसंद करके गई थी बट वो ले नहीं पाई, बट इस ईयर देखती हूँ मिलेगा तो लूँगी। यहाँ पे स्वेटर से जो सेल में लगा हुआ है, দেখা सारा चिमनी है ना, सारे चार बजी। यहाँ पे परफ्यूम है, Thank you.
साल जितने भीड़ था उतना ही साल नहीं है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है 100 का। यहाँ पे सारा विंटर कलेक्शन है। चल भूख मिल भी तो कवर कर। हाँ हर जगह मतलब मेला जितना भी मेला होता है सारा सेम ही होता है, बट ये इसका खासियत यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब चारों तरफ आपको मिलेगा, आप जिधर भी जाओ कुछ ना कुछ मिलेगा ही। उसके बाद से ये सबसे पुराना मेला भी है इसीलिए ये बहुत फेमस है। हर जगह सेम है, खाने के लिए सारा सामान जो भी सब मेला में मिलता है वही सब है। भीड़ बहुत हो जा रहा, हमको रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी देखते हैं जहाँ कहाँ तक हम कवर कर सकते हैं। देखिए इधर से भी एंट्री है मेला अंदर के लिए। अच्छा ये देखिए ये बॉय मेला है, कि उधर भी रास्ता है, एक इस साइड रास्ता है पार्किंग के लिए। इधर इधर से आए थे और ये देखिए किधर ही भी है। ये मेला बहुत ही ज्यादा बड़ा है। विशेष घोषणा, जारा मेलाय प्रवेश করছেন অবশ্যই মাস্ক পরুন। যারা মেলায় প্রবেশ করছেন তারা অবশ্যই মাস্ক পরুন। हर जगह पूरा कवर करना मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेला बहुत ही बड़ा है, और जैसे जैसे रात हो रहा है शाम बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। फिर भी जितना हो सकता है हम कर रहे हैं कवर आप लोगों के लिए। बहुत ही ज्यादा भीड़ है इधर। पेंसिल बॉक्स 35 सेकंड, कार्बन का ब्लास्ट में 35 सेकंड, कार्बन का जब ब्लास्ट में 35 सेकंड, ब्लास्ट के छोटी 35 सेकंड, फाइबर प्लेट 35 सेकंड, फाइबर स्टेलिंग 35 सेकंड, ब्लास्ट के टिफिन बॉक्स में 35 सेकंड, ब्लास्ट के मॉक में 35 सेकंड, जाने दे जितने जिनिस हर एक मन मात्र 35 टका 35 टका 35 टका। वो दादू नाती नाती के लिए। देखिए एक क्लिप से बहुत सारा हेयर स्टाइल हो रहा है यहाँ पे, इससे बाल भी सिल्की रहता है। ये दूसरा हुआ, देखिए ये तीसरा है, बहुत आसान से बन रहा है, आसान है। बहुत ज्यादा आसान है अलग बनाना है। देखिए वेडिंग में पार्टी के लिए बहुत अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल हो जाएगा इससे। देखिए बस आना चाहिए इसको बनाने के लिए ना। कितना प्राइस है उसका? 30 का, 30 का है ये। देखिए इसको बाल करने वाली इस तरह मन कैसे कर लीजिए, हो गया, इसमें कोई जादू नहीं है, बन जाता है सभी से, इससे बाल भी सिल्की रहता है, लिखा रहता है ब्रांड का, देख सकते हैं। हाँ है मेरे पास। अच्छा यहाँ पे तीन तीन मेला लगा हुआ है, कृषि मेला, एक कालपत्रु जो है वो वाला हम आप लोग को दिखा चुके हैं, और ये लिखा लगा है किताब बॉय मेला। अच्छा यहाँ पे देखिए बॉय मेला लगा हुआ है, यहाँ पे सारा बुक मिलेगा, यहाँ पे उसका टिकट काउंटर है, टिकट लेना होगा। देखिए यहाँ पे मिट्टी कुछ मिठाई ले रही है, यहाँ जलेबी बन रहा है, मालपुआ मिट्टी मालपुआ ले रही है। कितना? 30 रुपीज़ का 250। यहाँ पे सारा मिठाई है 250 ग्राम। আপনারা অবশ্যই প্রদর্শন করুন, আপনাদের ভালো লাগবে।
खाजा है, छिल्ली है और क्या क्या है, उसको क्या बोला जाता है जो ले रही हो, उसको गोजा हम लोग उसको बोलते हैं गोजा, वो स्क्वायर में जो है ये छोटा गोजा है, गोजा का ये टेढ़ा मेढ़ा गोजा। देखिए कितना 50 ग्रुप A 30 जामुन खुशी आंको। यहाँ पे देखिए चॉकलेट भी मिल रहा है, कोरोना जरी भारत तंदूरी चाय भी है ना, অনুসন্ধান অফিসের কান দিকে মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে অবশ্যই সংগ্রহ করুন। আমাদের মেলার আরো দুটি অংশ আছে। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने पूरा मेला घूम लिया है, तो जितना कवर हो सकता था हम कवर कर चुके हैं, तो अब हमको बहुत ज़ोर से भूख लग गया है, तो अब भी हम अपने लिए मोगलाई ऑर्डर किए हैं, तो थोड़ी देर बाद वो हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, एक मोगलाई का था 50 और चिकन मोगलाई का था 60, तो हम एक मोगलाई लिए हैं, तो उसको आगे दीजिए, देखते हैं कैसा है, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए गाइस, ये है मेरा एग मोगलाई, ठीक ठाक ही, अब टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एग मुगलाई का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब मैं मुगलाई ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मुझे घर जाना है, तो बाय बाय, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।